नाज़िम शेख, आपके लिए लेकर आया हूँ खबरों का एक खास सिलसिला। महाराष्ट्र राज्य के हर कोने की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भी दिखाना चाहते हो अपने इलाके की कोई खबर, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान, वाहनों के एक्सपायरी लाइसेंस और परमिट की वैधता बढ़ाकर की जाएगी 30 सितंबर तक। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में कोरोना संक्रमण और निसर्ग चक्रवात पर की खास बातचीत। शरद पवार ने किया बड़ा खुलासा, निसर्ग चक्रवात पीड़ितों को आज से मुफ्त में दिया जाएगा रॉकेल गेहूं और चावल। नागपुर में हुआ फिर कोरोना विस्फोट, 43 नए मामले आए सामने। अकोला में आपसी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक की हुई मौत, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। हिंगन घाट में नहीं है कोई खास सुविधा, शव को लेकर कोरोना टेस्ट के लिए भटकते रहे परिजन। अमरावती में पकड़े गए गांजा तस्कर, आम के कैरेट में गांजा तस्करी कर रहे थे, 13 बोरियों में 3 क्विंटल गांजा मिला। मुंबई के कल्याण में एसटी डिपो में दिखी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। भूखी महिला ने कामडी की तेजस संस्था को किया फोन, संस्था ने एक घंटे में पहुंचाया राशन किट। मुंबई में समय का हुआ बंधन खत, दुकानें रहेंगी दिन भर शुरू। बुल्ढाना में कुल 93 कोरोना मरीज, वहीं वर्धा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। हिंगना के वानाडोंगरी नगर परिषद की लापरवाही से क्वारंटाइन किए गए लोग नाराज नहीं है कोई खास।